हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड मानशु गर्ग आज फिर एक न्यू वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपना चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ही कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंसेप्ट वाइज खत्म हो चुका है, बट फ्रेंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई, जब तक हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में कैसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको तीन चार एग्जाम्पल या जितने पॉसिबल हो पाएंगे वो एग्जाम्पल समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पेपर में कैसे उसकी प्रेजेंटेशन देके आनी है, जिससे कि टीचर खुश हो और नंबर दे हमको। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। क्या टॉपिक आज का हमारा? न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में हम अपने न्यूमेरिकल समझेंगे। तो फ्रेंड देखो, पहला हमारा न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उनको मार्क कर लो। इनने क्या बोला, नेशनल इनकम निकालनी है किससे? इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। इनने दो चीज इंपॉर्टेंट बोली, एक तो इनकम मेथड से निकालनी है नेशनल इनकम, और दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड से निकालनी है नेशनल इनकम। हमने ये दोनों मेथड, सॉरी फ्रेंड्स, हमने ये दोनों मेथड्स पढ़ रखे हैं, इनकम मेथड भी और एक्सपेंडिचर मेथड भी। हाँ भाई, पढ़ रखे हैं, हमको याद है क्या? हाँ याद है। और अगर याद ना भी हो तो मेरी जो वीडियो है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की, वो एक बारी जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन। अब इन्हें बोल दिया भाई हमको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। इन्होंने मेरे को कुछ चीजें दी हैं कि भाई इसकी मदद से कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्होंने हमें क्या क्या दिया है, उसके बाद बात करेंगे आगे की। तो देखो, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक बात और, हाँ मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, क्यों फ्रेंड्स स्पेस थोड़ा कम था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आपके पेपर में पूरा पूरा आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। COE की फुल फॉर्म क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, पूरा ऐसे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और हाँ, पेपर में ये नहीं लिख के आना जैसे मैंने लिखा है, पेपर में आपको ये करके आना है, नीचे आ जाना। ठीक है, कहीं मैं बताऊंगा। अब भाई क्वेश्चन क्या है, देखो COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या क्या दिया हुआ है, ये पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। इम्पोर्ट्स, MI मतलब मिक्स इनकम, GFCF गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, PFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, CFC कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, तो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। याद रखो दोनों को, एक ही पॉइंट है दोनों। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, IT इनडायरेक्ट टैक्सेस, चेंज इन स्टॉक, सब्सिडीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज क्लियर, सारे पॉइंट हमको समझ में आ गए इन्हें क्या क्या बोला है। अब फ्रेंड्स, हम करते हैं अपना क्वेश्चन, पेपर में कैसे करके आना है देख लो। यहाँ डालो भाई आंसर नंबर 1 या सॉल्यूशन 1, ठीक है, फिर हेडिंग लिखो पूरी, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। पेपर एग्जामिनर को सब कुछ बता के चलो हम भाई नेशनल इनकम निकालने कौन से मेथड से, इनकम मेथड से, वरना एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा क्या कर रखा है ये। तो बता दो पहले भाई, हम जो निकाल रहे हैं ना वो इनकम मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब भाई इनकम मेथड से हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब हमको पता है इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, NDPFC, मतलब कभी भी अगर इनकम मेथड बोलेगा तो क्या निकलेगा, NDPFC। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले NDPFC निकालना है। अब NDPFC फॉर्मूला क्या था, COE प्लस OS प्लस MI, COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, पूरा लिख के आना है आपको, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, बट हाँ अगर ये पॉइंट आप शॉर्ट फॉर्म में लिख के आते हो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हो। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, OS ऑपरेटिंग सरप्लस, और MI मिक्स इनकम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, नेशनल जो इनकम मेथड से लिंक है उसको सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो, कभी एक्सपेंडिचर मेथड का कुछ चीजें
डाल दें, क्योंकि कैलकुलेशन में कई बार हो जाता है। सीओई काम का है सरगर, एमआई काम का है सरगर, डेप्रिसिएशन काम आएगा क्या, कुछ सोचो डेप्रिसिएशन नहीं छोड़ दो, एनएफआईए काम का है बट एनडीबीएफसी वाले फॉर्मूले में काम नहीं आता, आईटी नहीं है काम का, चेंजिंग स्टॉक नहीं है काम का, सब्सिडीज नहीं है काम का, रेंट है काम का, इंटरेस्ट प्रॉफिट बस काम का, बस ये हमको वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे भी हमने भी फॉर्मूला लिखा सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, अब सीओई क्या है क्वेश्चन में दे रखा है 250 हमने ले लिया एज इट इज। अब नेक्स्ट हम सर्च करते हैं ओएस ऑपरेटिंग सर्विस, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है क्या सीओई है एमआई है एनएफआई है रेंट है इंटरेस्ट है प्रॉफिट है, ओएस नहीं है। अब ओएस के यहां पर पार्ट दे रखे हैं, हमने पढ़ा था ओएस रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट चारों को मिला के क्या बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस, यहाँ पर उसके तीन पार्ट दे दिए तो हम इन तीन पार्ट का यूज करके ओएस निकाल सकते हैं। बिल्कुल भाई ओएस को हमने लिख दिया रेंट प्लस ओएलटी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है रेंट प्लस ओएलटी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट ओके हमने लिख दिया। एमआई क्या है मिक्स इनकम, मिक्स इनकम हमेशा पेपर में एज इट इज दी हुई होगी बस उठा के रखना है, मिक्स इनकम की दे रखी है 50 रख दी मैंने वैल्यू। ठीक है अब आगे चलते हैं, अब इन्होंने बोला भाई हमको रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट ये हमको चाहिए इसकी वैल्यू 250 एज इट इज रख दिया, रेंट पहला 100 वैल्यू डाल दी, रॉयल्टी नहीं है छोड़ दो ऐसे खाली, इंटरेस्ट 200 लिख दी वैल्यू, प्रॉफिट 50 ये लिख दी वैल्यू, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी। अब इसको कैलकुलेट करना है बस 250 100 प्लस 200 प्लस 50 350 प्लस 50 कितना हो गया 650 करोड़, बट ये हमारा आंसर नहीं है। अभी ये क्या निकला है इनकम मेथड मतलब एनडीपीएफसी निकला है बस, नेशनल इनकम नहीं निकली, क्लियर नेशनल इनकम नहीं निकली, अभी एक स्टेप और आगे चलना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स हमको एक बात और पता है, कभी भी अगर नेशनल इनकम निकालनी होती है तो क्या कैलकुलेट करना होता है एनएनपीएफसी, याद है एनएनपीएफसी, तो एनएनपीएफसी का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो हमारे पास क्या है एनडीपीएफसी, निकालना क्या है एनडीपीएफसी ये तो हमको पता है, लिखते कैसे हैं जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड, जो चीज है हमारे पास उसको राइट हैंड साइड लिख लिया। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है एन एन है एन और डी, ये डिफरेंस है इन पर राइट लगा दो, पी भी है का, ये रहा, एफ सी भी है का, ये रहा। मतलब खाली डोमेस्टिक से किस पे जाना है नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल याद है एनएफआईए साइड में बना दो, नाइस डे एनएफआईए का क्या था नाइस डे, नाइस मतलब नेशनल और डे मतलब डोमेस्टिक। अब जाना था हमको नेशनल पे जाना है डोमेस्टिक से तो प्लस हो गया एनएफआईए देख लो प्लस एनएफआईए, एनडीपीएफसी 650 एनएफआईए का ये रहा 20 प्लस 20 670 करोड़, दिस इज द फाइनल आंसर किसका इनकम मेथड से नेशनल इनकम। अभी एक्सपेंडिचर मेथड से बचा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है अब हम समझेंगे नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो फ्रेंड जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, मतलब भाई इनकम मेथड का हमारा हो चुका, अब बात करनी है हमें दूसरे मेथड की जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, क्या कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो पर लिख दो भाई मैं ये काम कर रहा हूँ पेपर वाले को, जो हमारा एग्जामिनर है जो चेक करेगा उसको दिखा दो भाई नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहा हूँ मैं, नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा इनकम मेथड तो निकल चुका है तो उसके अंदर जो टर्म यूज हुई थी एज ए सीओई इन सबको काट दो, क्यों कंफ्यूजन नहीं होगी, सीओई काट दो मिक्स इनकम काट दो और क्या था रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, कंफ्यूजन नहीं होगी कम होगी ना हमारी टर्म्स। तो हम करते हैं देखो अब भाई एक्सपेंडिचर मेथड निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दो चीज याद है ग्रॉस है या फिर नेट है, कौन सी वाली जीएफ सीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक
याद है जीडीसी है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो देखो ये ना ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो मतलब जीडीपी एमपी निकालना है, एक बात तो ये क्लियर होगी। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला लिख लिया हमने, पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट, हमको याद है। अब पीएफसी कितना है 550, ये रहा लिख दिया 550, जीएफसी कितना है 60, लिख दिया हमने 60। अब जीडीसीएफ का एक फॉर्मूला था जीडीएफसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट, अब ये कब खुलेगा, जब जीडीसीएफ नहीं दे रखा। देखो भाई जीडीसीएफ दे रखा है क्या, नहीं, ये जीएफसीएफ दे रखा है, इसका मतलब है जीडीएफसीएफ, ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दे रखा है, ठीक है। तो जीडीसीएफ का हमने फॉर्मूला बोल दिया जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, देखो कहा है ये ना, और नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब देखो 550 60, जीडीएफसीएफ कितना है 120, चेंज इन स्टॉक 20, ये ना एक्सपोर्ट 10, इंपोर्ट 20, वैल्यू डाल दी सबकी। अब बस कैलकुलेशन करनी है, 550 प्लस 60 120 प्लस 20 140, 10 माइनस 20 माइनस 10, तो हमारा इसको कैलकुलेट करके आंसर आ गया 740 करोड़। ये क्या निकला, जीडीपी एमपी। क्वेश्चन में क्या बोला था भाई, नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब एनएनपीएफसी निकालना है, तो वो निकालेंगे, है ना भाई, एनएनपीएफसी जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो है वो राइट हैंड साइड, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब देखो भाई एक एक टर्म देखते चलेंगे क्या क्या अंतर है, एन और जी सेम है क्या, नहीं, सेम करना पड़ेगा। ग्रॉस नेट किससे जाना है, नेट पे, तो नीचे मतलब माइनस क्या, डेप, माइनस डेप, डेप क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये रहा। अब डी और एन तो क्या है इसका, नेशनल और डोमेस्टिक, हम किस पे हैं, डोमेस्टिक पे जाना, किस पे है, नेशनल पे, तो प्लस एनएफआईए लिख लो, प्लस एनएफआईए। अब एमपीएफसी, एमपीएफसी हम है इस पर, एमपी पर जाना, किस पे, एफसी पर, तो माइनस क्या, माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। अब जीडीपी एमपी कितना रखा भी 714, ये हमने जो भी अभी निकाला, एनआईटी सॉरी डेप माइनस टेन, ये रहा एनएफआईए दे रखा है हमको, ये रहा 20, और एनआईटी, एनआईटी है क्या कहीं पर, देखो ढूंढो, नहीं है भाई एनआईटी कहीं नहीं, बट एनआईटी का एक फॉर्मूला था, एनआईटी क्या है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या फॉर्मूला था इसका, आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज, ये रहा आईटी कितना है 100 माइनस 20, तो क्या आ गया हमारा कैलकुलेट करके 670 करोड़, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, प्रेजेंटेशन कैसे लेके आएंगे समझ लो, ये मैंने यहाँ पर दिया है आपको और ये इधर साइड, बट आपको ऐसे नहीं करके आना, मेरे यहाँ पर स्पेस कम था, मैंने इसलिए ये यहाँ लिखा है, आपको इसी के नीचे ऐसे लिख के आना है, ओके। तो अब आपके नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है हमें, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से हो गया, एक मेथड और बचा है कौन सा वाला, वैल्यू एडेड, उसको अब समझते हैं, ओके चलो तो चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि अब हमारे दो तरह की मेथड हो चुके हैं, इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी, बचता है सिर्फ एक मेथड वैल्यू एडेड मेथड। तो देखो भाई क्वेश्चन किस टाइप से आता है वैल्यू एडेड मेथड का, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए निकालो एफसी पर, ठीक है। तो भाई इसके अंदर हमको वैल्यू एडेड मेथड जो होता है ना उसको बोलते हैं हम जीवीए एमपी, वैल्यू एडेड मेथड को हम बोलते हैं, जैसे इनकम मेथड है इनकम मेथड को एनडीटीएफसी निकालते हैं, ऐसे ही वैल्यू एडेड मेथड में हम निकालते हैं जीवीए एमपी, इट इज क्लियर। तो चलते हैं हम जीवीए एमपी निकालने, ये क्या निकलेगा वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए एफसी निकालना है, तो पहले जीवीए एमपी निकाल लेते हैं। चलो अब इसमें दिया क्या है उन्होंने, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आईसी, याद है वीओ माइनस आईसी फॉर्मूला था वैल्यू एडेड मेथड का, परचेज ऑफ मशीनरी और सब्सिडीज।
अब फ्रेंड इसके अंदर परचेज ऑफ मशीनरी का कोई भी यूज नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको दो चीज चाहिए, परचेज ऑफ मशीनरी का कोई यूज नहीं है इसलिए मैंने काट दिया। तो देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है, जीवीएमपी इज इक्वल टू वीओ माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इसका फॉर्मूला होता है, मतलब ये खुलता है आगे जाके क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स कितने दे रखी है हमको 500 प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्यों भाई, इन्होंने हमको दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया है हमने 300, वैल्यू पुट कर दी। अब 500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20 माइनस 30 माइनस 300, 500 माइनस 10 माइनस 300 हमारा आंसर आ गया 190,000। ये क्या निकला भी जीवीएमपी, मतलब वैल्यू एडिंग मेथड था ये। अगर वैल्यू एडिंग मेथड किसी भी क्वेश्चन में निकालने के लिए बोलेगा तो हमको ये काम करना है। बट इन दिस क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, जीवीएफसी निकालने के लिए, तो जीवीएफसी निकालते हैं। देखो जीवीएफसी निकालना है तो कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। क्या गिवन है जीवीएमपी तो कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। जीवीएमपी और जीवीएफसी डिफरेंस क्या है सिर्फ एमपी और एफसी का, तो एमपी से एफसी पे जाएंगे, एमपी से एफसी पर जाएंगे तो माइनस होगा क्या एनआईटी, माइनस एनआईटी। अब एनआईटी इन्होंने दिया है क्या हमें, नहीं भाई नहीं दिया। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी, सब्सिडी दी है तो फॉर्मूला रखेंगे हम जीवीएमपी 190 माइनस आईटी माइनस सब्सिडी 190, आईटी नहीं दिया 0 माइनस 40 सब्सिडी दी थी। अब कैलकुलेट करा तो ये हो गया 190 प्लस 40 मतलब 230,000, ये हमारा आ गया जीवीएफसी। ओके और इसी के साथ वीडियो भी खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको तीनों मेथड के एक एक क्वेश्चन करा दिए हैं। ओके तो फ्रेंड्स ये वाला चैप्टर आपका पूरा कंसेप्ट वाइज भी और न्यूमेरिकल वाइज भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरा नया चैप्टर मिलेगा, मतलब आपके सिलेबस का नया चैप्टर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड जो भी मेरे चैनल पर नया है या पुराना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो हुई तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स सो थैंक यू फ्रेंड्स।